दोस्तों आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले ही 10 काफी बड़े ओपनर्स की नई टीम फाइनलाइज हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन 10 ओपनर्स की लिस्ट और इनकी नई आईपीएल टीम के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी 10 खतरनाक ओपनर्स का नाम और उनकी नई आईपीएल टीम के बारे में बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े ओपनर हैं इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि जेसन रॉय, और जेसन रॉय के ऊपर ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बोली लगाएगी क्योंकि एसआरएच की टीम को एक ऐसे ओपनर की तलाश है जो कि पावर प्ले में केन विलियमसन से अच्छा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सके। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे खतरनाक ओपनर हैं क्रिस लिन, और क्रिस लिन के ऊपर ऑक्शन में 2 आईपीएल टीमें बोली लगाएगी जिसमें पहली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की, वही दूसरी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। तो मुख्य रूप से कोलकाता की टीम ही क्रिस लिन को टारगेट करेगी क्योंकि केकेआर को विदेशी ओपनर की तलाश है, वहीं आरसीबी की टीम क्रिस लिन को बैकअप ओपनर के तौर पर ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े ओपनर हैं अरुण फिंच जो कि ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, और अरुण फिंच के ऊपर गुजरात टाइटन्स की टीम बोली लगाएगी जहां पर गुजरात टाइटन्स की टीम अपने स्क्वाड से मैथ्यू वेड को रिलीज करके ऑक्शन में फिंच के ऊपर बोली लगाने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे काफी बड़े प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि बेन मैकडरमॉट जो कि बिग बैश लीग में काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, और इस प्लेयर को ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम टारगेट करेगी क्योंकि दिल्ली अपने स्क्वाड से टीम साइफर्ट को रिलीज करेगी। तो उनके बैकअप के तौर पर ये टीम ऑक्शन में बेन मैकडरमॉट को टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे बड़े ओपनर है मार्टिन गप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ ओपनर है, और गप्टिल के ऊपर ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बोली लगाएगी क्योंकि चेन्नई की टीम को बैकअप ओपनर की तलाश है और डेवॉन कॉनवे के बैकअप के तौर पर गप्टिल चेन्नई की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के छठवें बड़े ओपनर है क्रिस गेल, और क्रिस गेल ने खुद ही बताया है कि वो आईपीएल 2023 के ऑक्शन में अपना नाम देंगे। तो क्रिस गेल को सस्ते दामों में आरसीबी कोलकाता और पंजाब जैसी टीमें टारगेट करेगी क्योंकि क्रिस गेल मुश्किल से 1 से 2 करोड़ तक की रकम में बिकेंगे। तो क्रिस गेल को आरसीबी कोलकाता और पंजाब जैसी टीमें ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट के सातवें बड़े ओपनर है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल, और देवदत्त पड्डीकल को राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज करेगी। तो ऐसे में पड्डीकल के ऊपर ऑक्शन में केकेआर की टीम बोली लगाएगी क्योंकि देवदत्त पड्डीकल कोलकाता के प्लेइंग 11 में बिल्कुल फिट बैठेंगे और कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड से रहाने को रिलीज करेगी। तो उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के लिए ये टीम ऑक्शन में पड्डीकल के ऊपर बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट के आठवें बड़े ओपनर है लखनऊ सुपर जायंट के ताबड़तोड़ बल्लेबाज एवन लुइस, और एवन लुइस को लखनऊ की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज करेगी। तो लुइस को ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट कर सकती है क्योंकि लुइस पहले भी मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुके हैं और मुंबई इंडियंस को बैकअप ओपनर की तलाश है। तो इस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन में एवन लुइस के ऊपर अच्छी खासी बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट के नौवे बड़े ओपनर हैं एलेक्स सेल्स, जिनको अब इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सेलेक्ट किया गया है, और एलेक्स सेल्स के ऊपर ऑक्शन में हैदराबाद और पंजाब जैसी टीमें बोली लगाएगी क्योंकि एलेक्स सेल्स पावर प्ले में काफी बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। तो इस वजह से हेल्स के ऊपर हैदराबाद और पंजाब जैसी टीमें ऑक्शन में बिडिंग करती हुई नजर आएगी। इसके बाद इस लिस्ट के दसवें और अंतिम प्लेयर है पॉल स्टर्लिंग, जिनके पास विभिन्न देशों में T20 लीग खेलने का एक्सपीरियंस है। तो पॉल स्टर्लिंग को ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट की टीम टारगेट करेगी जहां पर स्टर्लिंग लखनऊ की टीम में बैकअप ओपनर का काम निभाएंगे। तो यही था 10 काफी बड़े ओपनर्स की लिस्ट और उनकी प्रेडिक्टेड आईपीएल टीम। आपके हिसाब से कौन सा ओपनर कौन सी टीम में बिकेगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।